अब मैं कुछ बोलूंगी तो लोग कमेंट में मेरे को बड़ा कुछ भाई को अरे कह रहे नत्थू कह रहे सेलिब्रिटी बने हुए हैं, सेलिब्रिटीज को तो कोई पूछता भी नहीं है। अब लड़कियां खेलती है विक्टम कार्ड, लड़के नहीं खेल पाते। क्या बच्चे कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा, ये सिर्फ बिकॉज ऑफ पोर्नोग्राफी। और कुछ लड़कियाँ एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए सारी हदें पार कर देती है। न्यूज से इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7 में आज इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि उसके पास फ़ोन नहीं है, उसके पास इंटरनेट नहीं है। आजकल का जो हमारा टाइम है वो एक डिजिटल टाइम है, जहाँ कभी हमें पहले फ़ीस पे करनी पड़ती थी, जहाँ कभी हमें पहले बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ती थी किसी एक इन्फॉर्मेशन के बारे में, आज सिर्फ एक क्लिक के सहारे हम वो सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ कहते हैं ना कि किसी चीज़ के हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, वहीं पर उन चीज़ का एक डार्क साइड भी आता है। तो आज हम आ चुके हैं अपने यंगस्टर्स के बीच में, हमारी नई युवा पीढ़ी के बीच में, उन्हीं बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए। चलो आइए जानते हैं हमारे युवा से, हमारे कुछ स्टूडेंट से कि वो इंटरनेट के रिलेटेड क्या क्या जानकारी रखते हैं और इंटरनेट की कौन सी ऐसी डार्क साइड है, कौन सी ऐसी पॉजिटिव साइड है जो वो जानते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। सर क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम है गौरव। सर जैसे कि आपने देखा है कि आज के टाइम पे इंटरनेट पे ये पोर्नोग्राफी, ये वीडियो लीकिंग के केसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ते हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कभी ऐसे आपके जान पहचान की किसी लड़की या लड़के की कोई ऐसी वैसी फ़ोटो आ गई हो? हाँ मैम, काफ़ी बार मैं देखता हूँ और मैं इस सिचुएशन से निकला भी हूँ। मुझे वीडियो कॉल जब आते थे, बोलते थे कि हमारे अकाउंट में पैसे डालो, वीडियो कॉल ये वो, मेरे फ्रेंड भी इससे गुजर चुके हैं। मैंने उनको यही बोला कि आप डरो नहीं, अगर कोई आपकी वीडियो डालता है तो आप उसको जो है उसको डिसलाइक करके उसको ब्लॉक करो पहले, उसके बाद जाके साइबर में जाएं, वहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराएं, दैट्स इट। तो जैसे गौरव आप कह रहे हैं कि आपके साथ ये सब हो चुका है, तो उस टाइम पे आपने क्या एक्शन लिया था? मैम सबसे पहले तो मैंने अपनी आईडी जो है मैंने उसको बंद कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कुछ ऐसा वो गलत हो जाए कि जो नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने उनका नाम, जिन्होंने किया ऐसा, और भी जो डिटेल थी वो मैंने सारी की सारी पुलिस के पास जाके दर्ज करा दी थी। तो जब आपने पुलिस के पास ये सब इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाई तो कोई एक्शन आया? हाँ मैम बिल्कुल बिल्कुल आया। जो ये काम कर रहे थे तो कोई हमारे ही ग्रुप में से था, कोई जो ऐसे मजाक के तौर पर कर रहे थे, मगर मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। तो पुलिस ने अपना काम किया, तो मैं यही बोलूँगा सबसे कि डरने की बात नहीं है। कोई पैसे अगर आपसे मांग रहा मत दो, पहली बात तो ये है। अगर आप दोगे वो आगे फिर थर्ड नेक्स्ट किसी और से भी वैसा करने लगेगा, फिर हैबिट बनती जाएगी और ये हैबिट बनते बनते इतना बड़ा जब ग्रुप बन जाएगा मुश्किल हो जाएगी सबको फिर। तो सर जैसे कि अब आपने लड़कों के लिए एक बात की, तो आज के टाइम पे जो लड़की हैं वो भी इन चीज़ों से सफ़र कर रही हैं? मैम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। वैसे ये तो है कि यूथ जितना भी है, लड़की हो या लड़का हो, इन्वॉल्वमेंट तो हो चुकी है, ओनली मैम हो चुकी है। तो इससे अब यही है, बचने का एक ही आसार है मैम कि हम डरे नहीं। कुछ अगर होता भी ऐसा तो डरना नहीं है। सबसे पहले आप घर पे भी बात कर सकते हो उसकी, उसके बाद जाके आप जो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसके बाद जा सकते हो। गौरव जी कभी कभार ऐसा होता है ना कि जब किसी लड़की के साथ ये हरकत हो जाती है कि उसकी कोई फ़ोटो कोई वीडियो आगे पीछे मोहल्ले में या फिर इंटरनेट पे शेयर हो जाती है, तो उसके घर वाले कहते हैं चल जो हुआ होने दे, तू घर से मत निकलना, तेरी पढ़ाई बंद, तेरा इंटरनेट बंद, तेरा फ़ोन बंद, तो क्या ये सब चीज़ें अच्छी हैं? मैम देखो इस बारे में सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। मैं तो यही बोलूँगा कि घर वाले उस टाइम पे जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं मैम, मगर एज ए अगर मेरे साथ या मेरे फैमिली मेम्बर के साथ भी कभी ऐसा अगर ना हो, अगर हो जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही करना चाहिए कि पहले तो कंप्लेन करो, सबसे पहले जिसने ये किया उसको सज़ा दिलाओ। दूसरी बात ये है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है मैम, आज उनके साथ हुआ है कल किसी और के साथ हो सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर यही बोलूँगा यूथ से डरना नहीं है बस। गौरव जी का बहुत अच्छा कहना है कि जब भी आपके साथ ये हरकत होती है तो आप क्या करते हो, बैक स्टेप ले लेते हो, डर के बैठ जाते हो, छुप जाते हो, या तो ब्लैक मिरर की जो डिमांड्स है उसको कंप्लीट करते हो। ब्लैक मिरर की डिमांड्स कंप्लीट करने से अच्छा है आप अपना स्टैंड लीजिए। अगर आपके पेरेंट्स भी आपके खिलाफ जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप साइबर सेल में कंप्लेन कीजिए, वुमेन सेल में कंप्लेन कीजिए। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कंप्लेन करते हैं तो इससे आपकी बदनामी नहीं होती है, उल्टा आपकी वजह से चार और जिंदगियां बचती हैं।
की नाम थोड़ा? रोशनी। कहाँ से हो आप? मैं बिश्नाह से। बिश्नाह से यहाँ पे क्या करने आए हो? बस ऐसे ही आइसक्रीम खाने। बिश्नाह तो इतनी दूर बहु बुला से आइसक्रीम खान? यूनिवर्सिटी पढ़ती हूँ तो यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ऐसे गई है ना यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैम आप मुझे ये बताइए कि आजकल का जो टाइम है इंटरनेट का टाइम है ना, मानते हो? हाँ वो तो है। इंस्टाग्राम आपका भी होगा? अरे डिजिटल इंडिया है तो होगा ही, सभी का ही होगा। तो कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे हैं थोड़े से, ज़्यादा नहीं है। कितने? मैंने खुद नहीं देखे। तो मैम आज के टाइम पे क्या होता है कि इंटरनेट के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, है ना? जैसे आपको पता है कि आज हम जम्मू में बैठे हैं, तो आप पहले क्या होता था कि सेलिब्रिटी फेसेस होते थे, आजकल तो सेलिब्रिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ बोलूँगी तो लोग कमेंट में मेरे को बड़ा कुछ भाई को ऐरे कह रहे, नत्थू कह रहे, सेलिब्रिटी बने हुए हैं। सेलिब्रिटीज़ को तो कोई पूछता भी नहीं है अब। तो जहाँ पे हमारे पास एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हम अपनी एक पहचान बना सकें, वहाँ पे आपको लगता नहीं कि कुछ गलत भी हो रहा है? हाँ देखो, जिस चीज़ के एडवांटेज होंगे तो एक सेकेंड, हर एक चीज़ के ना कुछ पहलू होता ही होता है। अगर हम किसी चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं तो उसका तो फ़ायदा, लोग उसी चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लड़कियां रील्स अपलोड करती हैं, लड़के वहीं से उठा के कुछ ऐसे घटिया गाने लगा के उनको डाल देते हैं कुछ व्यूज़ और फॉलोअर्स के लिए। और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो बीइंग अ गर्ल अच्छा तो नहीं लगता, बट क्या कह सकते हैं हम। कभी ऐसा हुआ है कि आपके फ़ोन पे किसी ने कोई ऐसी पिक्चर देख ली हो जो देखने लाइक ना हो? हाँ बहुत बार, मेरी मम्मा साथ में बैठे होते हैं तो मेरी मम्मा तो सीधा बोलते हैं इसको बंद करो, आप चलाते क्या हो ये चीज़, क्योंकि बहुत कुछ होता है उसमें देखने को। किसी की वीडियोस ऐसी होती हैं जो देखी भी नहीं जाती, स्पेशली आजकल तो आपको पता ही है कि कैसी वीडियोस आ रही हैं। तो बस वही। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी कि देखिए कि जैसे कि लड़कियों की कुछ पिक्चर्स लीक हो जाती हैं, वीडियोज़ लीक हो जाती हैं, तो इसमें गलती किसकी है, लड़की की या उस लड़के की? देखो गलती, देखो मैं सीधा कहूँगी, ताली ना दोनों हाथ से बजती है। अगर हम किसी को इतना कुछ दे रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उसको भी तो वैसे रहना चाहिए ना हमारे साथ। तो अगर 90% लड़का गलत है ना, तो उसमें 90% लड़की भी गलत है। अगर तुम्हें कुछ कर रहे हो तो तुम उस चीज़ को क्यों वो ऐसा वो रख रहे हो, जो है तुम दोनों में है ना, तो क्यों उसको वायरल करना। इवन देन ये नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, बट यहाँ पे इस टाइम पे ना आज की जनरेशन में लड़कों के साथ भी गलत हो रहा है। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि आज के टाइम पे जो हो रहा है वो दोनों साइड से हो रहा है? दोनों साइड से हो रहा है, इसमें कोई एक मतलब एक इंडिविजुअल जेंडर मतलब शामिल नहीं है? जेंडर की बात ही नहीं है, क्योंकि एक चीज़ बोलो, लड़कियाँ खेलती है विक्टम कार्ड, लड़के नहीं खेल पाते, क्योंकि लड़का सही भी होगा तब भी वो गलती गिना जाता है। तो एज कम्पेयर लड़कियों से ज़्यादा मैं कह रही हूँ लड़कों को अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि अब कैसे कहना नहीं चाहिए, बाहर लड़कियों के केसेस देखते हो ना, कभी आप लोग थाने या इधर जाओ ना तो आपको दिख जाएगा किस पे ज़्यादा केसेस होते हैं फालतू के। तो दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती। अगर लड़कियाँ ये सब कर रही हैं तो अगर आपने किसी को अपनी पिक्चर्स वीडियो कुछ भी दिया है तो उसको बोलो कि अगर मैंने ट्रस्ट करके दिए तो तुम अपने तक रखो, अगर वो चीज़ को फैलाता है तो तुम कंप्लेन करो, शर्माना क्यों हुआ। अगर तुमने किसी से पूछ के ये भेजा नहीं है तो फिर उस चीज़ की कंप्लेन करो जब सबने देखा है। तो क्या कह सकती है, क्योंकि अपने माइंड पे है सब सेटअप ना, कि हमने कैसे रहना किसी के साथ। रिलेशनशिप तो आज सभी की होते हैं, इवन देन मैरिड के भी होते हैं बाहर, तो बस यही बात है। तो मैम का कहना है कि आज के टाइम पे जो एक इंडिविजुअल जेंडर है वो विक्टिम नहीं है, आजकल जो विक्टिम है वो दोनों साइड से हैं, एक मेल भी हो सकता है एक फीमेल भी हो सकते हैं। ज़रूरत है आपको समझने की, ज़रूरत है आपको सतर्क रहने की कि जो आप कर रहे हो उसका आपके फ्यूचर पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपके पेरेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप बाद में कहते हो कि उसने मेरा मिसयूज़ किया ये, तो सभी को सुनाते हो तो कोई आपको लेके तो वहाँ तक तो जाता नहीं है, ना लड़का ना लड़की, अपनी मर्जी से जाते हो तो फिर खुद पे ही रखो उस चीज़ को और उस चीज़ के लिए लड़ो। अगर तुम उस चीज़ को करने में फ़न करते हो ना तो उस चीज़ को सहने में भी फ़न करो फिर। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। सर जुड़ चुकी हैं मैम, क्या नाम है आपका? साक्षी मन्हास। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं साक्षी मन्हास। तो साक्षी जी आपसे तो पूछने की ज़रूरत नहीं होगी मुझे कि आपके पास फ़ोन है या इंटरनेट आप यूज़ करते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हर कोई अभी इस टाइम पर तो सबके पास फ़ोन अपना अपना तो है, इंटरनेट तो हर हर जगह पर, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इंटरनेट नहीं है।
और बहुत रेयरली होगा जिसको इंटरनेट के बारे में पता नहीं होगा, बिकॉज इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सी चीज़ों के साथ कनेक्ट करती है, पर्सन टू पर्सन कनेक्ट करती है, हर चीज़ के साथ कनेक्ट करती है। इंटरनेट तो आजकल हम कह रहे हैं खाने तक ऑर्डर करने के लिए भी हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि इनका कहना है कि अगर आपको आज फ़ैन भी चलाना होगा ना, वो भी आप इंटरनेट के ज़रिए चला सकते हैं, am I right? यस यस ऑफ कोर्स। पर कैसे है, कोई एप्लीकेशन ऐसा आजकल? हाँ, एलेक्सा सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। एलेक्सा आजकल एलेक्सा भी है कि आप बेड पे लेटे लेटे अपना दरवाज़ा भी खोल सकते हैं, अपना फ़ैन भी चालू कर सकते हैं और आपको अपने बेड से हिलने की भी ज़रूरत नहीं है, है ना? हाँ बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि इंटरनेट की कुछ ऐसी खूबियाँ जो अभी तक आपका दिल छू गई हों। खूबियाँ लोगों से कनेक्ट कर पाना, जिनके साथ हम कभी मिले नहीं हैं उनके भी दुख दर्द हमें पता चलते हैं, जिससे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। रीच हमारी बढ़ गई है, जो लोग अपना दुख सिर्फ अपने तक रखते थे आज हम उन दुखों तक पहुंच रहे हैं और उनकी हेल्प कर पा रहे हैं। वो सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी बात लगी कि हम घर बैठे उन लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं जिनको हम जानते तक नहीं हैं, और वो बहुत जिनके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिनके प्रॉब्लम के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। कि आपको ऐसा नहीं लगता जिनसे हम कनेक्ट कर रहे हैं जो स्ट्रेंजर हैं वो कभी कभार हमारे लिए हार्मफुल भी साबित हो सकते हैं? जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ के दो फेसेस हैं, इस इंटरनेट के भी दो फेस हैं, एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज तो है कि हम हर चीज़ अपने मज़े से कर रहे हैं, घर बैठे लाइट्स ऑन हो रही हैं, सब कुछ। अब तो हम कह सकते हैं हर चलने के लिए भी इंटरनेट चाहिए, बिना फ़ोन देखे तो हम चलते भी नहीं हैं, एक स्टेप भी नहीं लेते कि इंटरनेट चाहिए हमें उस चीज़ के लिए। बट यही चीज़ जब एडिक्शन बन जाती है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। आजकल हम देखते हैं, हम तो चलो कॉलेज में आ गए, हमारे पास फ़ोन लाजमी है कि आगे ऑफलाइन पेमेंट्स होती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। बट आजकल डिसएडवांटेज जो मेन मुझे लगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके पास भी फ़ोन है, पर्सनल फ़ोन्स हैं, जो उनके पढ़ाई पे तो अफेक्ट डाल रहे हैं, वो अपकमिंग जनरेशन पे इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वो इन जनरेशन सिर्फ फ़ोन के अंदर घुसी है, उन्हें बाकी दीन दुनिया से कोई वो अपने फैमिली तक को टाइम नहीं दे रहे। छोटे छोटे बच्चे जो हैं फ़ोन्स में देख के कुछ, अब इंटरनेट हर चीज़ के लिए है, इंटरनेट में बहुत सी चीज़ें, कुछ अच्छी हैं और कुछ बुरी हैं, और वो अब इंटरनेट तो पूछेगा नहीं कि भाई आप कितने साल के हो तो मैं तुम्हें ये चीज़ दिखाऊँगा। वो ओपन है, वो ओपन नेटवर्क है, बच्चे कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी देखते हैं, जो बैड इम्पैक्ट भी डाल देता है उन बच्चों पे। तो अगर हम एडवांटेजेस को अलग रखते हैं, एडवांटेजेस हमारे पास आ जाती हैं कि इंटरनेट के ज़रिए आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बिना किसी फ़ीस को पे किए, बिना कहीं बुकिश नॉलेज को लिए, हम एक ऐसी इन्फॉर्मेशन भी बाहर निकाल सकते हैं जो कि कई टाइम पहले बहुत मुश्किल होता था, है ना? कुछ डिक्शनरी में हम क्या करते थे, पहले वर्ड्स ढूंढते रहते थे, है ना? मानते हैं इस चीज़ को, बट अब एक सिर्फ एक वर्ड के लिए हमें बहुत सारे मतलब मिल जाते हैं। सिर्फ एक गूगल पे एक टाइप करने की देर है, उस चीज़ के लिए हमें डेफिनेशंस, मीनिंग, पिक्चर्स सब मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूं इसी इंटरनेट के गलत इम्पैक्ट के बारे में, तो सबसे पहले आपके जो माइंड में है वो क्या चीज़ आती है? मेरे दिमाग में तो यही आता है, ये बहुत चीज़ों के लिए अच्छा है और बुरा है। बुरा इस चीज़ के लिए कि ये बहुत गलत इम्पैक्ट डाल रहा है बच्चों की मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि बच्चे आजकल गेमिंग का बहुत शौक हो गया है। गेम्स के थ्रू वो पढ़ाई से भी अलग हो रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स से भी अलग हो रहे हैं, वो इवन ह्यूमन से ही अलग हो रहे हैं। उनका नेचर बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, उन्हें अगर आप फ़ोन वापस लेंगे तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे। वो चीज़ बहुत गलत हो रही है, जो इंटरनेट बहुत गलत इम्पैक्ट डाल रहा है। और इंटरनेट इतना भी सेफ़ नहीं है जितना हम कह रहे हैं कि हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, बट सेफ़ वो नहीं, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों को गलत गाइड कर सकती हैं। एक आजकल हॉट टॉपिक चला है जो हम लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, व्हाट यू थिंक अबाउट द पोर्नोग्राफी? हाँ, वो सबसे मेन चीज़, अब जो इंटरेस्टेड है वो तो देखेगा, ये चीज़ बहुत गलत इम्पैक्ट डाल रही है हमारे जनरेशन पे। यही चीज़ें देख देख के, जो मैं लड़कियों की तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट लड़कों की एक पॉइंट पे ये बहुत गलत चीज़ इम्पैक्ट डाल रही है। इससे सेक्सुअलिटी के बारे में ज़्यादा एक्सप्लोशन हो रही है, जो लड़कों को, मैं ये नहीं कहूँगी सारे लड़के, बट कुछ लड़कों को फोर्स कर रही है फॉर डूइंग रेप्स। रेप केसेस इससे बहुत ज़्यादा हो गए, हमने बहुत सी जगहें देखी है जहाँ पे रेप केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा है, ये सिर्फ बिकॉज ऑफ पोर्नोग्राफी। बच्चे देखते हैं, बच्चे वही सीखते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे। छोटे बच्चे हैं, अब उन्हें थोड़ा ना पता ये सही है कि गलत, वो तो इन्जॉयमेंट के लिए देख रहे हैं, बट वो इन्जॉयमेंट उनकी कब हार्मफुल बन जाए वो उसका कोई भरोसा नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि इंटरनेट का यूज़ पेरेंट्स के साथ सुपरविजन में हो, क्योंकि अगर अपकमिंग जनरेशन में ये पोर्नोग्राफी अगर आ गई
तो मुझे नहीं लगता कि हमारी जनरेशन सेफ रहेगी। अभी भी सेफ नहीं है बट तब बहुत। मैम का ये कहना है कि जो आज का टाइम है इंटरनेट का टाइम है, जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को फ़ोन तो पकड़ा देते हैं लेकिन वो कभी भी इस चीज़ पे नज़र नहीं रखते हैं कि उनका बच्चा उस चीज़ में क्या देख रहा है, वो क्या नॉलेज ले रहा है। अब मैम ने जैसे हमें बताया कि सेक्सुअलिटी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे हम देखा जाए तो सेक्स एजुकेशन भी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चीज़ का गलत इम्पैक्ट तब पड़ता है जब आप इसकी एक प्रॉपर नॉलेज नहीं लेते हैं। एम आई राइट मैम? बिल्कुल सही। तो मैम आप एक, चलो एक आती है पोर्नोग्राफी, दूसरी आ जाती है कुछ ऐसी लड़कियां जो कभी कभार कईयों की बातों में आ जाती हैं, जिनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, जिनकी वीडियोस लीक हो जाती हैं, फ़ोटोज़ लीक हो जाती हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो उसके लिए तो मैं कहूँगी इंटरनेट मेन चीज़ इसमें यही आ रहा है। इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम FB पे, कहीं पे भी लड़कियां मिलती हैं, लड़के लड़कों की इंटरेक्शन होती है। हम लड़कियां ना बहुत इमोशनल होती हैं, कहते हैं इमोशनल होती है बट होती हैं, वो इमोशंस के चक्कर में ना कुछ भी कर देती है। कुछ लड़कियां सिर्फ चुप रहती हैं कि यार रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, और कुछ लड़कियां एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए सारी हदें पार कर देती हैं, न्यूड्स बहुत सी चीज़ें जो है वो भेज देती हैं, और बाद में वही चीज़ उनके बॉयफ्रेंड्स या कोई भी उसको मिसयूज़ करके वो इंटरनेट का डरावा देता है कि हाँ हम इंटरनेट पे वायरल कर देंगे। स्टार्ट इंटरनेट है और एंड भी इंटरनेट ही है। यहाँ से सेक्सुअलिटी, जैसे मैंने आपको बोला कि नॉलेज होना ही ज़रूरी है, बट नॉलेज कब डेंजरस बन जाए वो बहुत बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए कि वो नॉलेज जो है आपकी वो ठीक रहे जहाँ तक आपको चाहिए। जिस दिन वो ज़्यादा एक्सेसिव होगी, कहते हैं ना लिमिटेड नॉलेज जो है वो थोड़ी कम नॉलेज हो तो वो भी डेंजरस है, ज़्यादा हो तो वो भी डेंजरस है। तो जो बच्चे अभी इस साइड जाते हैं, जैसे लड़कियां, हम जैसी लड़कियां, मैं अगर अपनी फ्रेंड को इन्फ्लुएंस कर दूँगी, अगर मेरी इंटरेक्शन अच्छी है किसी के साथ, मेरे पास है कि हाँ मैं तुम्हें ऐसे ऐसे होता है इन चीज़ों में ऐसा ऐसा है, बट लड़कियों का खुद का भी थोड़ा दिमाग होना चाहिए कि अगर आपको कोई वहाँ फोर्स कर रहा है वो पहले अपना पेरेंट्स को देखे, अपना बैकग्राउंड चेक करे कि नहीं ये चीज़ हमारे लिए सही है या गलत, ये इसकी गाइडेंस भी इंटरनेट पर प्रोवाइडेड है, इसके भी बहुत सारे सर्वेज होते हैं इंटरनेट पे इससे रेड ऑफ करने के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं, बट लोग वो देखते नहीं हैं। हम लोगों को यूज़फुल चीज़ें बहुत कम दिखती हैं और जो नॉन यूज़फुल है तो वो तो सारी जगह अट्रैक्शन देखते ही देखते हैं हम। थैंक यू सो मच मैम, आपके अंदर इतनी नॉलेज भरी पड़ी है। आज के जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो बहुत अवेयर हो चुके हैं अपने आप को लेकर कि इंटरनेट को वो यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो अवेयरनेस है वो आज भी कहीं हद तक कम दिखती है हमें। कई हद तक कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम नादानी में एक ऐसा क्राइम कर जाते हैं जिसका हमें फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसका ध्यान नहीं रहता। कि मैम क्या नाम है आपका? प्रागी शर्मा। प्रागी शर्मा, क्या करती हैं अब यहाँ पे? पढ़ती हूँ। पढ़ते हो? अच्छा, क्या पढ़ रहे हो अब यहाँ पे? मैम आर्ट्स BA। आर्ट्स BA, तो फ़ोन है आपके पास? यस मैम। आपने तो हाथ से बड़ा फ़ोन पकड़ा हुआ है। हाथ से पकड़ते किसे पकड़ते हो? हाथ से बड़ा फ़ोन पकड़ा हुआ है। अच्छा, बड़ा फ़ोन है। हाँ, तो रागी जी आप इंटरनेट यूज़ करती हैं? हाँ। तो क्या चलाती हैं इंटरनेट पे? इंस्टा, व्हाट्सएप, स्नैप सब कुछ चलाती हूँ। ओहो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इंस्टा, व्हाट्सएप, स्नैप और? इंस्टा, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, व्हाट्सएप सब कुछ, बस यही। तो रागी जी एक टॉपिक के रिलेटेड मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि आज के टाइम पे जो कुछ लड़कियाँ हैं जिनकी न्यूड पिक्चर्स, वीडियोस इंटरनेट पे काफ़ी हद तक वायरल हो रही हैं, मानते हैं इस चीज़ को? हाँ, सुनने को तो आया है। सुनने को आता है ना, डेली बेसिस पे कोई ना कोई केस आते हैं हमारे पास जहाँ पे कभी ना कभी क्या होता है, कोई लड़की होती है वो किसी की बातों में आकर अपनी कुछ पिक्चर्स जो होती हैं वो भेज देती हैं। नहीं भेजनी चाहिए, पहले ट्रस्ट कर लेना चाहिए बंदे पे फिर भेजें। आपके कहने का मतलब है कि पहले आपको बंदे पे ट्रस्ट करना चाहिए फिर भेजें? हाँ। है ना, पर भेजें क्यों? मतलब होता है इसके आजकल के, मतलब लड़का लड़की के मतलब मैसेज, वो ऑनलाइन मैसेज शुरू कर देते कि भाई हमें मतलब हमें आप पसंद हो, अपनी फ़ोटो भेजो, हमें आपको देखना है, मिलना है, टेक्स्ट, फिर वो लड़कियाँ मतलब उनके जान से में आके भेज देती हैं। तो आपका कहने का ये मतलब है कि पहले ट्रस्ट करो फिर भेजो? हाँ। लेकिन ट्रस्ट करके भी भेजने के बावजूद अगर ऐसा कांड हो जाए फिर क्या कर सकते हैं? कुछ वही मैं आपसे पूछ रही ना, फिर क्या कर सकते हैं हम? नहीं करना चाहिए, सीधी बात है, ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए आजकल। आजकल किसी पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, मेरी मानो तो किसी पे हम ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, सब मतलब ट्रस्ट तोड़ने लायक है, इधर जोड़ने लायक कोई नहीं।
तो आप मुझे बताइए कि ऐसे टाइम पे एक लड़की को क्या करना चाहिए जब उसके साथ ऐसी घटना घट जाए कि उसकी कोई पिक्चर्स जो है वो इंटरनेट पे वायरल हो जाए या फिर उसके घर तक पहुंच जाए जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो जाए, तो उस टाइम पे उस लड़की को क्या करें? सबसे पहले तो मतलब पेरेंट्स सपोर्टिव होने चाहिए उनके, ताकि उनका साथ दे। अगर नहीं भी है चलो वो खुद मतलब अपने बेस पे कुछ ऐसा कर सके, पुलिस कंप्लेन कर दे, मतलब पुलिस उनको साथ देनी चाहिए। तो ये हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका है जिनका ये कहना है कि लड़कियाँ क्यों चुप रहती हैं, क्यों चुप रहती है? लड़कियाँ चुप रहती है तभी उनको लड़के दबाते हैं, अगर वो चुप नहीं रहेंगी तो आजकल के लड़के क्या ही कर लेंगे, क्या ही कर सकते हैं। हाँ, आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि आज के टाइम पे जब हम ये देखते हैं कि वीडियोस और फोटोज के लीक होने की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसमें घटोती नहीं है, बढ़ोती आ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि लड़कियाँ जो होती हैं वो चुप करके अपने घरों में बैठ जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनके पेरेंट्स तक ये बात पहुंचेगी या किसी तक ये बात पहुंचेगी तो क्या हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो कि पेरेंट्स सपोर्टिव होने चाहिए, अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हो ना तो उस लड़की को दुनिया में कोई भी हरा नहीं। मैं सोचती हूँ कि लड़कियाँ सोचती हैं कि शायद हमारी इंसल्ट है कि अगर हम किसी को बता दें कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। इंसल्ट क्यों है, मतलब क्यों इंसल्ट है, इसमें इंसल्ट वाला क्या, हमारी गलती थी क्या, मतलब हमने उस पर ट्रस्ट किया, मतलब उस लड़की की गलती कि उसने मतलब हमें कहा कि मतलब ऐसे करो वैसे करो, उस लड़की की गलती है, उस पर मतलब कुछ एक्शन होना चाहिए, इसमें लड़कियों की क्या गलती है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लड़कियों को कहना चाहती हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है या जो इन चीज़ों से निकल रही हैं? मैं फ़िलहाल इतना ही कहूँगी कि मतलब सबसे पहले किसी पर ट्रस्ट मत करो इतना कि वो आपको धोखा दे, और दूसरी बात मतलब अगर ऐसा कुछ होता भी सबसे पहले मतलब पेरेंट्स से बात करो, अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते मतलब फिर अगर आप चाहो पुलिस कंप्लेन करना चाहो वो भी कर सकते हो। मतलब मेरे को इतना मानना है कि मतलब कुछ पेरेंट्स सपोर्ट नहीं भी करते इस मामले में, मतलब कुछ पेरेंट्स होते हैं ना जैसे मतलब वो होते हैं बड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के, वैसे भी होते हैं कुछ मतलब नहीं भी करते, पर अगर आप कुछ मतलब करना चाहते हो तो मतलब पुलिस कंप्लेन कर सकते हो, मेरे पुलिस क्या पता हेल्प करे हमारी। प्रागी जी का ये कहना है कि जब भी आपके साथ कोई ऐसी घटना हो तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात कीजिए या फिर जो आपके सबसे क्लोज हैं उनसे बात कीजिए, आफ्टर दैट आप कोई स्टेप उठाइए। जो एक इन्फॉर्मेशन मैं चैनल के थ्रू एक लड़कियों को देना चाहूँगी कि जब भी आपके साथ ऐसा कोई घटना घटती है तो जब आप कंप्लेन कराने जाते हो जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो बिल्कुल भी पब्लिक के सामने नहीं आती है। तो जो लड़कियाँ इन चीज़ों से जूझ रही हैं, जो लड़कियाँ इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती हैं, अपने पेरेंट्स से अपने किसी भी रिलेटिव से डर के नहीं उठा पा रही हैं, तो प्लीज़ चुप नहीं रहिए, क्योंकि आज आप चुप रहेंगी तो कल उन्हें और हिम्मत मिलेगी आपको डराने की। बहुत बहुत अच्छा लगा यार आपसे, बहुत शुक्रिया यार आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप जैसे हो ना अगर लड़कियां दबंग हमारे पूरे मतलब जम्मू में या फिर हमारे इंडिया में हमारी दुनिया में, तो हमें कौन यार बेवकूफ़ बना सकता है ना। उस मंकी भगा दो हमारे कॉलेज से। प्रिंसिपल सर से गुजारिश है इनके कॉलेज से मंकी भगा दो। क्या नाम है सर आपका? जफर। जफर जी क्या करते हैं आप यूनिवर्सिटी में? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। अच्छा रिसर्च, अच्छा अच्छा क्या बात है। तो सर आजकल ना एक हॉट टॉपिक चल रहा है हमारे पूरे वर्ल्ड में कि इंटरनेट के जो मिसयूजेस हैं, बहुत सारे हैं मिसयूजेस, तो कुछ हैं जिन पर रोशनी डालना चाहोगे? मैं रोशनी डालूंगा तो वैसे अडल्ट एज में तो बहुत सारे मिसयूजेस करते हैं आजकल, तो वैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स इतनी हैं जिनका मिसयूज़ करके लोगों ने बहुत सारे फ्रॉड्स करना स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे बड़ा आज के टाइम पे साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और साइबर क्राइम एक सोसाइटी के लिए इतनी बड़ी थ्रेट बनती जा रही है कि कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं इस वजह से। और इंटरनेट का सबसे बड़ा मेरे हिसाब से सोसाइटल इम्पैक्ट ये है कि कितने लोगों की पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करने में आज एक ये प्लेटफॉर्म बन गया है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ एथिकल स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए जिसके बेस पर आप इंटरनेट को यूज़ कर सकें। सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो पर्सनल वीडियोस, फ़ोटोज़ लीक होती हैं उसके खिलाफ इतने ज़्यादा हमारे पास केसेस भी आते हैं, इतना सख्त कानून भी बना हुआ है, उसके बावजूद भी जो इसकी संख्या है वो बढ़ती जा रही है? देखिए ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ सिर्फ बोला जाता है कि साइबर अवेयरनेस के ऊपर बहुत बड़े बड़े लेक्चर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कानून नहीं है कि मतलब आप किसी के पर्सनल डाटा को सरकार उसको स्टील नहीं करेगी या कोई भी कंपनी जो उस चीज़ को ऑफ़र कर रही है वो स्टील नहीं करेगी। यहाँ पे तो ऐसी कोई फ्रेमवर्क है नहीं है। मोस्टली कंपनीज़ में क्या होता है कि आप एक पर्सनल प्रोफाइल जो क्रिएट करते हैं वहाँ से आपका डाटा स्टील कर लिया जाता है, आपकी वीडियो स्टील कर दिया जाता है, उसके बाद उनको डॉक्ट्रेट करके कुछ भी क्रिएट कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं। अभी रिसेंट एग्जाम्पल्स में आया हमारे यहाँ पर, और आप बोल रहे हैं कि इंटरनेट तो मोस्टली यहाँ पर तो हमने बार बार शट डाउन देखते रहते हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक एथिकल स्टैंडर्ड के साथ, जो एथिक्स
सरकार को सेट करना चाहिए और उन कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करके सेट करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेट तो कंपनीज़ कर रही हैं और सरकार के अंडर कर रही हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटी सरकार है। तो जब ऐसा मैकेनिज्म सोसाइटी के अंदर होगा तो हम ऑटोमेटिकली वेल फर्निश्ड हो सकते हैं, उसका अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो हमारे जम्मू की ही नहीं इंडिया की जो सरकार है वो सो रही है। आज के टाइम पे इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं पोर्नोग्राफी के, वीडियो लीकिंग के, पिक्चर्स लीकिंग के, जिससे कई लड़कियां जो हैं वो सुसाइड कर लेती हैं, कईयों को घर से निकाल दिया जाता है, कई दरबदर हो जाती हैं, जिनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती हैं। तो आप ये मानते हैं कि आज के टाइम पे सिर्फ लड़कियां ही नहीं लड़कों के साथ भी हो रहा है? किसी के साथ भी हो रह सकता है, मतलब बहुत सारी दुनिया आज के टाइम पे इंडिया के अंदर, मतलब बहुत सारे आप केसेस उठा के देखें जो जो लड़के उनका ट्रायल चल रहा है अभी कोर्ट के अंदर, और क्या है कि मतलब एक कोई वीडियो थी या कोई पोस्ट की हुई थी इंटरनेट के ऊपर, अब क्या पता है कि वो उसने की है या नहीं की है, क्योंकि जो FIR लॉज करते हैं तब उसके अंदर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, वो ट्रायल बेस्ड होती नहीं है। आप इंस्टेंट गए हैं, कंप्लेंट की है तो उसके बेस पर आप किसी को भी उठा सकते हैं, उठा लेते हैं, उसके बाद ट्रायल चलता रहता है, दो दो साल पाँच पाँच साल के बाद ट्रायल चलता है, उसके बाद प्रूफ होता है कि वाकई में ये बंदा, इसने ये चीज़ पोस्ट नहीं की थी, ऐसा नहीं किया था। और डॉक्टरेट करके ना मैं मोस्टली वीडियोज़ को आज के टाइम पे पोस्ट किया जा रहा है, और उसकी वजह से ये जेंडर न्यूट्रल है, ये किसी को भी इफेक्ट कर सकता है। अब हमारे यहाँ माना जाता है कि गर्ल्स ज़्यादा थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा बियर नहीं कर पाती हैं, तो वो जल्दी मतलब उनके ऊपर इफेक्ट कर जाता है। तो लड़के कुछ बियर कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते, लेकिन ह्यूमन बीइंग तो सारे के सारे सेंसिटिव ही है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो हमारा सिस्टम है, वो आज भी उतना अवेयर नहीं हुआ है इन सब चीज़ों को लेकर। जो साइबर क्राइम आज के टाइम पर बढ़ रहा है, इसके पीछे की एक ही वजह है कि हमारा सिस्टम आज भी सो रहा है। आज भी उनको अवेयरनेस नहीं है कि जो ये चीज़ें यहाँ पे घट रही हैं उसकी वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो सर एक कोई मैसेज आप देना चाहोगे उन लोगों को जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हों, या फिर जो इन चीज़ों से डिप्रेस हो रहे हों, जिनको ब्लैकमेलिंग की जा रही हो? नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए, उन लोगों को खड़े रहना चाहिए, मतलब इतनी जल्दी आसानी से आप जान मत दे दें, आप कन्फ्रंट करें चीज़ों को, जब कन्फ्रंट करेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि बड़े सारे ऐसे मैकेनिज्म सेट किए हुए हैं जिसकी वजह से आप, जिनका आप हेल्प लेके, आज साइबर का पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश किया गया है, उसकी हेल्प लेके आप अपने इन सारी चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, और मेन जो कल्प्रिट है उसको आप आसानी से सरकार लॉ के अंदर उसको सज़ा दिलवा सकते हैं। सो हमें हमेशा सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस के साथ साथ हमें लड़ना भी आना चाहिए कि अपने हकूक के लिए किस तरीके से लड़ा जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है हमारे दर्शकों को, कुछ शायद मोटिवेट हुए होंगे जिनके साथ ये सब हो रहा होगा। तो मानते हो ना इन चीज़ों को कि आवाज़ उठानी चाहिए? बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए, आवाज़ तो आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इसीलिए जान दी थी कि हम लोग आज़ाद जी सकें। आज़ाद जीने का ये मतलब है कि हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें। अब ये आप अपने थॉट्स को दिमाग के अंदर लेके किसी चार कमरे के अंदर बैठे रहेंगे तो किसी को पता नहीं चलने वाला। आपका अगर कोई थॉट है तो उसको एक्सप्रेस करें, क्या वो सोसाइटी के एम्पावरमेंट के लिए काम आ सकता है या नहीं आ सकता, वो डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका? रवि ठाकुर। तो कहाँ से आप? मैं जम्मू में रहता हूँ, ऐसे बेसिकली डोडा से हूँ। डोडा से हैं आप, यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बचपन से यहीं पे रहता हूँ। अच्छा, तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, इंटरनेट चलाते हैं? जी चलाते हैं। क्या देखते हैं सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे? मैं एक्चुअली, मेरी ड्राई फ्रूट की शॉप है, ज़्यादा ड्राई फ्रूट के रिलेटेड देखता हूँ। पूरा दिन ड्राई फ्रूट देता रहना है? यही है। और कुछ भी नहीं? बहुत कम कम वगैरह देखते हैं। तो सर आजकल जो साइबर क्राइम है वो बहुत बढ़ रहा है, हाँ जी है ना? पता है। जो साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, आप बताना चाहेंगे इसके पीछे का कोई रीज़न? इंटरनेट का ही है, तो लोग ज़्यादा आजकल बिजी हो गए इंटरनेट पे, मुझे लगता है रीज़न यही है ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा अपना ध्यान नहीं देखते। कोई आपको कुछ रील भेज रहा है तो आप उसको एकदम से शेयर कर लेते हो, या कुछ आप चेक नहीं करते हो कि अगर ये सच में है या नहीं है, फिर भी आप ऐसे शेयर कर देते हो, तो किसी को आगे कोई बेचारा उतना पता नहीं होता तो वो आगे और किसी को शेयर कर देता है, तो ऐसे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो लुट जाते हैं कभी कभी। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमें इंटरनेट पे कभी एकदम से कोई ऐसी पिक्चर आ जाती है जिसे देखना भी कहीं शर्मसार हो जाता है इंसान? काफ़ी बारी आती है आजकल, तो वैसे मैंने देखा फेसबुक पे पॉलिसीज हैं लेकिन वो आजकल काम नहीं करती, उस पर भी ऐसी वीडियोज आती हैं, कभी कभी हम स्किप करते हैं कि घर पर बैठे होते, कभी कभी हमें प्रॉब्लम होती है, उसी वजह से घर पर फेसबुक भी नहीं खोली जाती हमें। मुझे कभी ऐसा हुआ है कि आप ऐसे ही व्हाट्सएप चला रहे हो तो एकदम से कोई ऐसी पिक्चर आ जाए जो आपके नोन में हो और वो पिक्चर बिल्कुल देखने लायक ना हो? ये एक दो बारी हुआ है मेरे साथ, लेकिन मैंने रिपोर्ट करके तो उनको ब्लॉक कर देता हूँ मैं, मेरा यही है। तो कभी आपने सोचा नहीं कि ऐसी पिक्चर्स मुझे आ रही हैं तो मुझे भी इनके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, मुझे इनके खिलाफ़ कोई बात करनी चाहिए किसी से? नहीं, मुझे एक दो बारी आई थी, अपने फ्रेंड रिलेटेड ही आई थी, मैंने उनसे बोला था, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा था शायद फ्रॉड होगी,
तो मैंने उनको कहा कि आप रिपोर्ट कर दो, मैंने उनको सेंड भी कर दी थी, मैंने कहा आप रिपोर्ट कर दो, मैंने भी कर दी है और साथ में मैंने ब्लॉक भी कर दिया, क्योंकि वैसी फ़ोटो में दोबारा नहीं आना चाहता, क्योंकि हमारे घर पर सारे फ़ोन चेक करते हैं, हमारा छोटी बेटी है, भाई की बेटी है, भाई का बेटा है, वो फ़ोन मेरा ऑलरेडी उनके पास ही होता, तो मैं ये चीज़ें अवॉइड ही करता हूँ। तो आजकल हम देख रहे हैं कि जो टीन एज साइड पे बच्चे हैं, जो 16 17 18 साल के हैं, उनमें ना ये एडिक्शन बहुत जल्दी फैल रहा है फ़ोन का, तो इन फोन से होता क्या, उनके दिमाग में क्या इम्पेक्ट पड़ता है, कुछ बताना चाहेंगे? पहले एक्चुअली मेरी एज है 28, ठीक है, जब मैं 18 का था तब ये फ़ोन बहुत कम आते थे, इतना एंड्रॉयड होता नहीं था, बहुत छोटे छोटे फ़ोन आते थे, जैसे नोकिया के ही चलता था, जब मैं स्कूल में था 11th 12th में, तब छोटे छोटे फ़ोन आते थे, तब इतना होता नहीं था कि रील्स वगैरह या इंटरनेट पे कुछ होता है, टिकटॉक हुआ, ये बाद में शुरू हुआ, तो अब हम काम पे लग गए तो हमारा काम पे ध्यान होता है, तो अभी इनकी एज है कि इनको भी थोड़ा देखना चाहिए कि पढ़ने पर ध्यान दो ज़्यादा, तो रील्स वगैरह थोड़ी कम शेयर करें, कम चलाएं। ये मानते हो आपकी जो पेरेंट्स है वो बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं, फिर देखते ही नहीं कि क्या कर रहे हैं वो? नहीं, एक्चुअली आजकल पता क्या हो गया, जो छोटा बच्चा होता है ना 2-3 साल का, उनको बच्चे पापा क्या करते हैं, काम नहीं होता ना, कहते हैं बच्चा तंग करता है तो उसको फ़ोन पकड़ा दो, कुछ शेयर कर दो, कार्टून चल रहे हैं, उसके आगे नीचे स्क्रॉल किया, कुछ और आ गया, तो फिर बच्चे को वैसे हो जाता ना देखने में। तो सर का मानना है कि आज के टाइम पे जो बच्चों को फ़ोन का एडिक्शन है, उनमें सबसे बड़ा जो एक रोल है वो उनके पेरेंट्स प्ले कर रहे हैं, पेरेंट्स को खुद समझना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं वो फ़ोन पे क्या कर रहे हैं, कितने टाइम पे वो फ़ोन चला रहे हैं, एक टाइम लिमिट होनी चाहिए फ़ोन चलाने की, है ना? टाइम लिमिट भी होनी चाहिए, और आजकल तो फ़ोन इतने एडवांस हो गए, किड्स मोड भी आता है, तो वो आप ऑन करके उनको दे दो, जिसमें वो कुछ नहीं देख सकें वैसा कुछ एडल्ट तो में। सर एक हॉट टॉपिक है, छेड़ दूँ? बिल्कुल बोलिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पोर्नोग्राफी? एक्चुअली ये होना नहीं चाहिए, पोर्नोग्राफी किसी लिमिट तक ठीक है, मैं नहीं बोलता एडल्ट्स नहीं देखें, लेकिन बच्चों के लिए एक लिमिट बननी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि जब पेरेंट्स फ़ोन देते हैं तो उनको चाइल्ड मोड लगा के ऑन कर देना चाहिए, उसमें क्या होता है, कंट्रोल होता है, पेरेंट्स के पास कंट्रोल होता है कि क्या क्या देखना बच्चों को, जैसे पता चल उनको तो मैसेज आ जाता है, तो ये चीज़ देखनी चाहिए पेरेंट्स को भी, किड्स मोड ऑन करके आपको फ़ोन दे दो उसका कोई इशू नहीं, लेकिन उसमें ये इतनी सी लिमिट होनी चाहिए कि क्या क्या देख सकते हैं, ये आपके हाथ में। सर एक सर्वे में पता चला है कि आजकल के जो 16-17-18-19 साल के बच्चे हैं, इन लोगों के बीच में ही ना न्यूड्स पिक्चर्स, न्यूड वीडियोस काफ़ी मात्रा में एक्सचेंज होती हैं, जिनमें इनकी फ्रेंड्स, कुछ की गर्लफ्रेंड्स, कुछ अडल्ट भी शामिल होते हैं, तो इन चीज़ों पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम होती तो ये गलत ही है, देखो अब उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन बच्चे इस एज में ना क्या होता है शेयर कर देते हैं, अब जैसे हमारा है, हम किसी के साथ, हमें पता है किसी की क्या इज्जत है, किसी के हम इतना करते हैं कि किसी को शेयर नहीं कर सकते, किसी की ऐसी पर्सनल इमेज शेयर नहीं कर सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं 18-19 साल के, इनमें इतना अभी समझ नहीं होती कि क्या शेयर करना क्या नहीं करना, तो उनमें थोड़ा सा मतलब यही चाहता हूँ कि थोड़ी अकल आ जाएगी, थोड़ा शेयर कम करें, शेयर नहीं मतलब ये देखना नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है, अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट करो, कोई जॉब के लिए देखो, उसके बाद जो मर्ज़ी करो, आपकी लाइफ आगे चल रही है, अब हमारी एज है, अब शादी की एज है, शादी करेंगे उसके बाद अपनी जो मर्ज़ी करो, इतने तक मैं कहता हूँ 20-25 तक अपनी लाइफ को पहले सेटल करो, उसके बाद जो मर्जी करो। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम आए थे अपने यंगस्टर्स के बीच में, कुछ स्टूडेंट्स के बीच में, ये जानने के लिए कि जो इंटरनेट के मिस यूजेज हैं उन पे उनके क्या रिव्यूज़ हैं, उन पे उनके क्या कमेंट्स हैं। तो काफ़ी हद तक हमें पता चला कि जो सोसाइटी है वो इन पोर्नोग्राफी न्यूडिटी से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो ब्लैकमेल हो रही हैं, कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो ब्लैकमेल हो रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। वो क्या करते हैं, जब उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है वो शांति से घर पे बैठ जाते हैं, लड़कियां खासकर वो शांति से घर पे बैठ जाती हैं ये सोच के कि शायद मुझे घर वाले मारेंगे या फिर मुझे घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, बट ये चीज़ें गलत हैं। जब भी आपके साथ ऐसी ब्लैकमेलिंग की या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो प्लीज़ पुलिस से संपर्क करें, प्लीज़ अपने किसी बड़े के साथ इस चीज़ को शेयर करें, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो हमारे चैनल से कॉन्टैक्ट कीजिए, वी विल डू बेस्ट फॉर यू। कोई भी ऐसी लड़की या कोई भी ऐसा लड़का जो आज ब्लैकमेल हो रहा है या फिर पोर्नोग्राफी का शिकार हो रहा है या फिर न्यूड वीडियोज़ शेयर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है, प्लीज़ हमारे चैनल से कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपकी आइडेंटिटी जो होगी वो सोसाइटी के आगे नहीं आएगी लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए इतना ही, थैंक यू सो मच इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 से जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, आज के लिए सब इतना।